नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। खबर लंदन से है। लंदन की एक ऐतिहासिक इमारत को 3 मंजिला मस्जिद में तब्दील किया जाएगा। लंदन की इस ऐतिहासिक इमारत को एक अरब मुस्लिम बिजनेसमैन ने खरीदकर इसे मस्जिद बनाने का फैसला किया है। आसिफ अजीज ने 2005 में 220 मिलियन पाउंड की कीमत अदा कर इस जगह को खरीदा था और अब वे वहां एक भव्य मस्जिद बनाने जा रहे हैं। आसिफ को मस्जिद बनाने की मंजूरी मिल चुकी है, इसके बावजूद इसका बहुत विरोध हो रहा है। ये मस्जिद कैसी होगी और इसका विरोध क्यों हो रहा है, आप पूरा मांजरा हमारे सहयोगी से समझिए। अरबपति बिजनेसमैन आसिफ अजीज क्राइटेरियन कैपिटल के मालिक और यूके के 7वें सबसे अमीर मुसलमान हैं। लंदन के सबसे मशहूर कॉम्प्लेक्स को एक मस्जिद में तब्दील करने की तैयारी कर चुके हैं। आसिफ को मिस्टर वेस्ट एंड के तौर पर भी जाना जाता है। वेस्टमिंस्टर काउंसिल की तरफ से आसिफ को मस्जिद बनाने की मंजूरी दी गई है। ये जगह सेंट्रल लंदन में है और काफी मशहूर एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स के एक हिस्से को मस्जिद बनाया जाएगा। आसिफ अजीज को यह मंजूरी कैसे मिली है और क्यों मिली है, इस बात पर अब यहाँ के लोग सवाल उठा रहे हैं। आसिफ मूलत मलावी के रहने वाले हैं और 6 साल की उम्र में लंदन आ गए थे। यह मस्जिद 3 मंजिला होगी जिसमें तकरीबन 390 लोग नमाज पढ़ सकेंगे। ट्रोकेडरो, पिकेडली सर्कस और सोहो के बीच स्थित है। आसिफ अजीज ने साल 2020 में भी मस्जिद बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन तब उनका प्रपोजल खारिज कर दिया गया था। उस समय आसिफ ने 1000 लोगों की क्षमता वाली मस्जिद की मंजूरी मांगी गई थी। इसे तब ठुकरा दिया गया जब यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ ही साथ कई संगठनों की तरफ से इसका विरोध किया गया था। मगर जब आसिफ ने 390 लोगों की मस्जिद की मंजूरी मांगी तो उसे आसानी से मान लिया गया। यह मस्जिद उनके चैरिटी संगठन अजीज फाउंडेशन के जरिए बनाई जाएगी। वेस्टमिंस्टर काउंसिल की तरफ से मई महीने के अंत में इस मस्जिद की मंजूरी दी गई है। इस मस्जिद को पिकाडिली प्रार्थना स्थल के तौर पर जाना जाएगा। हालांकि आलोचक अभी भी इसका विरोध कर रहे हैं। जिस जगह पर मस्जिद बन रही है उस पर उन्हें खासी आपत्ति है। इस जगह पर काफी सारे बार और स्ट्रिप क्लब हैं जहां पर शराब भी परोसी जाती है। ऐसे में आलोचकों का कहना है कि इस्लाम में जिन चीजों की मनाही है उनके बीच में मस्जिद का होना गलत है। अजीज फाउंडेशन का कहना है कि मस्जिद क्षेत्र में काम करने वाले मुसलमानों के साथ साथ पर्यटकों के लिए खुली रहेगी। अजीज ने साल 2005 में अपनी प्रॉपर्टी फर्म के जरिए 220 मिलियन पाउंड की कीमत अदा करके इस जगह को खरीदा था। क्राइटेरियन कैप्शन के पास लंदन के वेस्ट एंड, डॉकलैंड्स और क्रॉयडन में 15 व्यावसायिक इमारतें हैं। अजीज फाउंडेशन की तरफ से यूके के मंत्रियों से अपील की जा रही है कि इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र से एक खास दिवस की अपील की जाए और ब्रिटेन में इससे जुड़ा कानून बनाया जाए। आपकी इस न्यूज पर क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं आपको अगली खबर के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।